गुड मॉर्निंग गाइस, सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द स्टेशन। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आई एम टू स्लीपी। रात को बिल्कुल भी मैं नहीं सोई। सो लेट्स गो, आई एम सुपर एक्साइटेड। ये जोरो का फर्स्ट ट्रिप है विद ऑल ऑफ अस, सो वी आर सुपर एक्साइटेड। हमने खाना भी बना लिया है, सो मैं पूरा जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड व्लॉग पसंद आए व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो चलिए अभी स्टेशन चलते हैं। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5:45 AM हम लोग निकल चुके थे फॉर स्टेशन। बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, जितना हो सके मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। एंड स्टेशन पहुंचने के बाद हमने कूली कर लिया था क्योंकि काफ़ी सारा सामान था और छोटा जोरो भी था हमारे साथ, सो कोई रिस्क नहीं लेना था। दैट्स वाई हमने पहले ही कूली कर लिया था, विच इज़ वाई हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई। ट्रेन के अंदर वी वर थिंकिंग कि जोरो को बहुत ठंड लगेगी एंड हाउ ही विल रिएक्ट, बट वो काफ़ी अच्छा था। ही इज़ लिटरली अ गुड बॉय और का 46 डेज एज था, बट स्टिल ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग। वेल, शियाला स्टेशन पहुंचने के बाद हमने ये कूले बुक की थी, ये सारे सामान हमारे ही थे। जो प्लेटफॉर्म है वहां से हमें अपर क्लास वेटिंग रूम, मतलब जो फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम है वहां पहुंचना था। दिस इज फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, तो कूले ने चार्ज किया था 350 रुपीज। एंड अभी हम लोग जोरो को थोड़ा सा क्लीन करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी कोलकाता में, तो इसीलिए वो पसीना वो पूरा स्वेट कर रहा था। तो हमने गर्म पानी को थोड़ा सा ठंडे पानी के साथ मिक्स किया। गर्म पानी एक्चुअली हम लोग फ्लास्क में कैरी करते ही है क्योंकि बच्चा साथ में रहता है, तो गर्म पानी कैरी करना इज़ अ मस्ट। तो उसे हम लोग वो वाइप्स से इस तरह से वाइप कर रहे थे ताकि वो उसको फ्रेश फील हो, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो फीड करते हैं तो उसकी वजह से उन बॉडी ज़्यादा हीट अप हो जाती है, तो उन्हें जितना हो सके क्लीन रखना ज़रूरी है। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। वहाँ पर एक छोटा सा फीडिंग रूम भी था जहाँ पर जाकर दीदी ने फीड करा दिया था उसे, वो काफ़ी खुश था। एंड हम लोग काफ़ी टेंस्ड भी थे क्योंकि इतना लंबा सफ़र, सिर्फ 46 डेज का बच्चा तो कैसे रिएक्ट करेगा, बट टिल देन वो काफ़ी अच्छा ही था। बाय द वे, शियालदा स्टेशन हैज़ चेंज्ड अ लॉट, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा लुक आ गया है। इतने सारे स्टॉल्स एंड इतने सारे शॉप्स है शियालदा स्टेशन में, इट्स जस्ट लुकिंग लाइक एन एयरपोर्ट। सो अभी बच्चे हैं 12:30 और हम लोग का ट्रेन अभी थोड़ी देर में आधे घंटे में, और हमने खाना ऑर्डर किया है वेज थाली, तो उसका ही वेट कर रहे हैं अभी। हम लोग घूमते घूमते केव से दिखा और हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, तो अभी केव से चिकन पॉपकॉर्न लेने वाले हैं। चल, ट्रेन का टाइम हो गया तो ऑर्डर लेकर हम लोग कूली बुक किया। एंड कूली के पास ट्रॉली नहीं था तो 500 रुपीज़ पेमेंट दी हमने, और हमारा सेकंड क्लास एसी था तो वो एकदम लास्ट में था, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बाय द वे, अपर क्लास वेटिंग रूम में आउटसाइड फूड्स आर नॉट अलाउड, तो वहाँ से ही हमने 150 रुपये की वेज थाली ऑर्डर किया था, 2 थाली फॉर 300 रुपीज़ टोटल, जो कि बिल्कुल एवरेज था। एंड ऑल्सो वहाँ पर आपको पेमेंट देनी होगी पर आवर पर पर्सन के लिए 10 रुपये, तो हम लोगों ने 2 घंटे के लिए बुक किया था, विच मीन्स हमें 80 रुपीज़ टोटल पेमेंट करना पड़ा। वैसे तो घर से रोटी पूरी सब्जी मिठाई ये सब हम लेकर गए थे ऑलरेडी ट्रेन में खाने के लिए, बट स्टिल जैसे केएफसी दिखा हमने केएफसी से काफ़ी कुछ ऑर्डर कर लिया। एंड देन वी वेर हैविंग दैट मी एंड माई सिस्टर। ट्रैवल करने से पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन सर्च की कि बेडिंग वगैरह सब मिलते हैं कि नहीं, बट मुझे कहीं भी वीडियोज़ नहीं मिले, सो आई थॉट लेट मी शूट वन। तो कोविड के बाद से अभी हर एक ट्रेन में बेडिंग वगैरह सब चालू हो गया है, तो पिलोज मिले, 2 शीट्स, हैंड टॉवल और एक कम्बल भी, जो बेसिक चीज़ें होती है। और हम लोग एसी 2 टायर में थे तो कर्टेंस वगैरह सब कुछ क्लीन था, हमारा कोई भी लोअर सीट नहीं था। ऑल्दो हमारे साथ सीनियर सिटीजन थे, बच्चे थे, बट स्टिल हर सीट अपर सीट ही हमें मिला, तो काफ़ी दिक्कत हुई। एक अंकल ने बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने मैनेज की और एक लोअर सीट हमें मिली, फिर भी जोरो को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि एसी का टेम्परेचर जो था वो काफ़ी लो रखा था। ऑल्दो इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, स्टिल उन्होंने एसी टेम्परेचर काफ़ी लो रखा था। सो रात को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, मेनली बिकॉज हमें कोई लोअर सीट नहीं मिला था, बस एक ही मिला था, उसकी वजह से ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। जोरो को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, बट स्टिल वी मैनेज्ड एंड रीच्ड दिल्ली। ये कैब हमने बुक की थी, दिल्ली स्टेशन में भी हमने कूली बुक किया था बिकॉज बहुत ज़्यादा लगेज थे एंड उतना कैरी करना वॉजन्ट पॉसिबल फॉर अस। तो दिल्ली का टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी दिल्ली में। सो गाइज, फाइनली वी हैव रीच्ड और मैं अभी
मेरी दीदी के साथ बाहर जा रही हूँ। एक्चुअली ट्रेन में काफी ज्यादा हम लोग बिजी हो गए थे और तो इसीलिए मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं, तो फ्रेश होकर खाना खा के अभी बस कुछ हमें शॉपिंग वगैरह पर जाना है, शादी के लिए ही काम है। सो लेट्स गो। सो ये मेरी मौसी की बेटी है एंड इनकी ही शादी में हम लोग आए हैं एंड शी इज़ सो क्लोज टू मी और हम लोग खूब मज़े करते हैं। मेरे इंगेजमेंट में भी ये आई थी, आप सब ने इन्हें मेरे इंगेजमेंट व्लॉग में भी देखा था। सो उनको ही कुछ काम था, उसके लिए हम मार्केट आए थे। लास्ट में उन्हें फिटिंग्स के लिए एक टेलर के वहाँ जाना पड़ा, तो वहाँ पर मैं भी थी। सो दैट्स इट फॉर डे वन इन दिल्ली। मैं दूसरे व्लॉग्स जल्द ही शेयर करूँगी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाई।